तय करेंगी, ठीक है ना, जो जो भी बिलिंग होगी वगैरह जो पीआरआईज होती हैं वो फिक्स करती हैं और पैसा उनकी किटी में जाता है, उसको हम ओएसआर कहते हैं, ओन सोर्स रिसोर्स रेवेन्यू, ठीक है ना। इसी तरह ये मुझे नहीं पता है अनीता जी ने वो वीडियो से मिलकर जो रेट से वो नोटिफाई किए हैं, अभी जैसे आपकी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, कमिटीज होती हैं, इसी तरह आपकी रूरल लोकल बॉडीज बनेंगी, जो दुकानें हैं उनका भी छोटा मोटा एक किराया फिक्स किया जाएगा, टैक्स फिक्स किया जाएगा, छोटा मोटा ज्यादा नहीं। अगर डोर टू डोर कलेक्शन करनी है उसके बाद उसका वेस्ट का कैसे डिस्पोजल होगा उसके लिए भी कुछ चीजें फिक्स की जाएंगी। उसके अलावा अगर नए मकान बन रहे हैं, नई कोई कमर्शियल स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके लिए भी सरपंच की परमिशन होनी चाहिए, और ये भी कुछ जो नोटिफाइड जो पैसा होगा जिसे डिपॉजिट फी कहते हैं वो नोटिस में लाए, और ताकि इनका ओन सोर्स जो रिसोर्स जनरेशन है वो बने। उस पैसे से ये आप ही लोगों के काम करेंगे, डस्टबिन खरीदेंगे, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए आपको बताएंगे और बाकी चीजें करेंगे। मेरी एक मरतबा फिर अनीता मैम से रिक्वेस्ट है कि वो इन सेक्टर्स के अलावा यहाँ के यूथ पे भी जो है वो थोड़ा नजर दें। जैसा कि आपको पता है कि जॉबलेसनेस अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ी मतलब बढ़ गई है, हमारे पास बच्चे जो एजुकेटेड क्वालिफाइड बच्चे हैं उनकी नौकरी नहीं लगती है, लेकिन इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास इतनी स्कीमें हैं, इसीलिए मैं हर अनीता जी बहुत एक्टिव हैं, ये मेरे पास आती हैं, पंकिता जी के साथ आती हैं जो सावनी की सरपंच, और भी बहुत सारे, खासतौर से मैंने जी देखा है लेडी सरपंच बड़ी प्रोएक्टिव है एजुकेशन को लेके और एम्प्लॉयमेंट को लेके। तो अगर अनीता जी आप एक एक्सरसाइज करें कि यहाँ के कितने बच्चे हैं जो क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने कॉलेज लेवल तक पढ़ा है या 12वीं जमात पास की है और अनएम्प्लॉयड है, तो हम उनको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, मुमकिन में अगर लड़कियां हैं तो तेजस्वनी में, और भी बहुत सारी ऐसी हमारी स्कीम्स हैं, जो भी वो कुछ करना चाहते हैं उनको हम फंड कर सकते हैं 5 लाख से लेकर। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में 36 बच्चों ने अप्लाई किया, यहाँ के काफी कम बच्चे थे, राजगढ़ के थे 5-8, तो किसी बच्ची ने कटिंग टेलरिंग का यूनिट खोला, 10 लाख रुपए हमने उनको दिए। किसी दूसरी लड़की ने बोला कि जी मैं ब्रेड बनाने का कुछ यूनिट लगाऊंगी, किसी लड़की ने कहा कि मैं हैंडकरचीफ्स बनाऊंगी, कुछ कह रही थी कि जी जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं या बाकी जगहों पे बेडशीट्स जो है जिसे अपहोल्स्ट्री कहते हैं वो कुछ करूंगी, कुछ लड़कों ने कहा कि भाई हम, किसी ने कहा जी मैं दुकान करूंगा, किसी ने कहा जी मैं कोई और, मतलब देयर आर सो मेनी, आप जो आपके जहन में है बच्चा जो करना चाहता है जिसमें उसको लगता है उसने मार्केट का सर्वे किया है तो आए, हम उनको लोन देंगे और ले रहे हैं बहुत कम लोन।